क्या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जबरदस्ती हराया गया है? क्या जहां पर सपा कैंडिडेट्स आगे चल रहे थे उन्हें हेरा फेरी करके पीछे किया गया? क्यों अब कहा जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बदलती है तो धांधलेबाजी करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी? आखिर क्यों अब फिर एक बार जिला अधिकारी और प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को हराया है ताकि किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचा सके? कहीं अधिकारी पक्षपात कर रहे हैं, कहीं लाठी चार्ज की गई ताकि उनकी मनपसंद पार्टी के प्रत्याशी का जीत का रास्ता साफ हो सके। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे बल्कि खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगा रहे हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है। वीडियो में अखिलेश यादव मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि फरुखाबाद में जिला अधिकारी ने सपा के प्रत्याशी को जानबूझकर हराया है। जिला अधिकारी और प्रशासन पर न जाने किस बात का दबाव था कि जहां समाजवादी पार्टी जीती लेकिन वहां उसने उनको हरा दिया गया। अलीगढ़ में भी यही घटना हुई जहां पर लाठीचार्ज किया, प्रशासन ने ना जाने और क्या क्या किया और उसके बाद परिणाम बदल दिए गए। अधिकारियों ने निष्पक्ष तरीके से फैसला नहीं किया है। फरुखाबाद, अलीगढ़, फूलपुर, बांसगांव में अधिकारियों ने धांधली करके हमारे प्रत्याशियों को हराया है। कहीं अधिकारी पक्षपात कर रहे थे, कहीं लाठीचार्ज की गई। हम इस बात को नहीं भूलेंगे और वक्त आने पर उन अधिकारियों से जरूर हिसाब किताब करेंगे। जब सरकार बदलेगी तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी और उन्हें धांधली करने का भुगतान करना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर आरोप हैं जो अखिलेश यादव अधिकारियों पर और प्रशासन पर लगा रहे हैं। आखिर उन लोगों पर किसका दबाव था? किसके कहने पर उन लोगों ने सपा के प्रत्याशियों को हराया है? कौन है वो ऊपर बैठा हुआ शख्स जिसके कहने पर ये सब हो रहा था? चुनाव आयोग को इन सभी बातों पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए ताकि लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ ना हो सके, कोई अपनी मनमानी ना कर सके। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जो आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी विशेष के लोगों को जबरदस्ती जिताया गया है? और क्या वाकई ऐसा करने का अधिकारियों पर कोई दबाव था या फिर उन्होंने खुद जानबूझकर ऐसा किया है जैसा अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है? आप लोगों को क्या लगता है, हमें अपनी राय जरूर दें। और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।